नमस्कार आदाब, मैं हूं सानिया खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कोरोना के कहर को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार जहां लॉकडाउन आगे बढ़ा चुकी है, वहीं महाराष्ट्र स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ ने स्कूली छात्रा के लिए आने वाले एग्जाम को कैंसिल कर दिया है। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि पोस्टपोन कर दिया है। 9वीं, 10वीं और 11वीं का एग्जाम फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। हम आपको सुनाते हैं कि स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ ने क्या कहा है। नमस्कार। कोरोना विषाणु के प्रादुर्भाव की वजह से आज देश भर में ही नहीं महाराष्ट्र में भी संचार बंदी लागू है। ये संचार बंदी की मुदत 14 तारीख तक थी, लेकिन उसको बढ़ा के अभी 30 तारीख तक करा दिया गया है। इसी कारण शालेय शिक्षण विभाग के कुछ निर्णय मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। जो पहला निर्णय हमने लिया है वो कक्षा 9वीं व कक्षा 11वीं का लिया है, और जिसमें जो हमने निर्णय लिया है कि उसकी दूसरे सत्र की परीक्षा रद्द करने का निर्णय हमने लिया है, और पहले सत्र के जो उनके इंटरनल मार्क्स होते हैं उसको काउंट करके उसके उनको जो है कि आगे के क्लास में देने के संदर्भ में कार्रवाई होगी, इसका हमने नीचे निर्देश दिया गया है। दूसरा जो हमने निर्णय लिया है वो इतना कक्षा 10वीं के भूगोल और कार्य शिक्षण के की जो पेपर है वो भी उसको हमने रद्द करने का निर्णय लिया है, और उसके लिए हमने महाराष्ट्र राज्य के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल के प्रचलित व विहित कार्य पद्धति अनुसार जो है उनको मार्क देने के लिए संदर्भ में मंडल के लिए उनको कार्रवाई करने के लिए कहा है, और उसके निर्देश भी हमने नीचे दिए हैं। धन्यवाद। 9वीं क्लास और 11वीं क्लास का एग्जाम कैंसिल हो चुका है। सभी से प्रहार टाइम्स की तरफ से बार बार अपील है कि घर में रहे, सुरक्षित रहे, सावधान रहे। इसी के साथ प्रहार टाइम्स की सभी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।